गाइस आप लोग वाइटी स्टूडियो का यूज क्यों करते हैं? अपने व्यूज चेक करने के लिए, सब्सक्राइबर चेक करने के लिए, वॉच टाइम चेक करने के लिए कि आखिर हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कब होगा। और दोस्तों आप लोगों को जो एक जरूरी चीज है वो आप लोग चेक करना भूल जाते हैं, क्योंकि वाइटी स्टूडियो के अंदर एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिससे आप लोग अपनी किसी वीडियो को वायरल करा सकते हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर प्रूफ देखो। दोस्तों ये मेरा चैनल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो 2 दिन पहले 4,000 व्यूज, यहाँ पर आप देखो 4 दिन के अंदर मैंने कितने व्यूज लिया है इस वीडियो पे 20,000। उसके बाद देखो यहाँ पे 6 दिन पहले ये वीडियो कितनी चल गई मेरी 50,000। इसी तरीके से मैं अपनी वीडियोस पे हजारों में लाखों में व्यूज ला सकती हूँ सिर्फ वाइटी स्टूडियो का यूज करके। अगर आप लोग भी 2, 4, 5 व्यूज से परेशान है और आपकी वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है, तो दोस्तों आज की वीडियो को कंप्लीट देख लेना, क्योंकि वाइटी स्टूडियो के अंदर कुछ ऐसा राज छुपा हुआ है जिससे आप लोग उसका यूज करके अपनी किसी भी वीडियो को वायरल करा सकते हो, रैंक करा सकते हो। आप लोग क्या करते हैं, सोचते हो वाइटी स्टूडियो को ऐसे ही दे दिया यूट्यूब ने, उसका कोई काम नहीं है। पर दोस्तों अगर आप वाइटी स्टूडियो का सही तरीके से यूज करना सीख गए, अगर उसमें छुपे हुए राज को जानना सीख गए, तो आप लोग अपने किसी वीडियो को रैंक करा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने चैनल पे काफी सारी वीडियोस को रैंक कराया, इसके पीछे का रीजन क्या है, सिर्फ वाइटी स्टूडियो। वाइटी स्टूडियो हमें बताता है कि आखिर आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनानी चाहिए, क्यों, कौन सा टाइटल आपका यूट्यूब पे रैंक करेगा, कौन सा टाइटल आपका यूट्यूब पे रैंक नहीं करेगा। अगर आपने बाय चांस किसी टाइटल पे वीडियो रैंक नहीं की, आपने अपलोड कर दी, तो वाइटी स्टूडियो आपको ये भी बताएगा कि आखिर आपको इसकी जगह पे कौन सा टाइटल डालना चाहिए था। तो दोस्तों अगर आप लोग भी वीडियो वायरल ना होने से परेशान है, तो आप लोग आज की वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आज आपकी आंखें खुलने वाली, आप लोग वाइटी स्टूडियो का यूज करके अपने वीडियोस को वायरल करना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये भाई कल की वीडियो के विनर है, इनको जाके सपोर्ट करें, इनके चैनल का लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दिया है। अगर आप लोग भी अपने चैनल का फ्री में प्रमोशन कराना चाहते हैं, तो आपको छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही वीडियो को पूरा देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट कर देना। कमेंट नहीं करेंगे तो आप लोग विनर नहीं बन पाएंगे। अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे देखो कितनी सारी वीडियो अपनी वायरल कराई, यहाँ पे देखो 11 दिन के अंदर 28,000, ठीक है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर आप लोग और देख सकते हैं, 2 वीक पहले यहाँ पे देखो 16,000, उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखो 3 हफ्ते में सिर्फ 93,000, सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर यहाँ पर मेरी वीडियो 93,000 व्यूज क्रॉस कर चुकी है। अगर हम इसके देखो वीडियो एनालिटिक्स पे चलते हैं, तो यहाँ पर देखो इसका क्लिक थ्रू रेट कितना है, 9.5% का, और 2:52 इस वीडियो को देखा जा रहा है, इसका व्यूज देखो 93,500 व्यूज इस पर आ चुके हैं। अगर बात करें इसके वीडियो परफॉर्मेंस पे चल के, तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर देखो कि यहाँ पर इसका जो व्यूज है वो आपके सामने आ जाएगा, ये लगातार हाई हो रहा है, इसका डाउन अभी तक ग्राफ नहीं हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर इस वीडियो से मुझे कितने घंटे का वॉच टाइम मिला है, आप लोग देख सकते हैं 4,500 घंटे का वॉच टाइम मिला है, जो कि एक यूट्यूब चैनल को इजीली मोनेटाइज करा सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखो इधर चलते हैं, यहाँ पर इससे मुझे सब्सक्राइबर्स कितने मिले, 1100 सब्सक्राइबर्स, मतलब सिर्फ एक वीडियो से हम अपना चैनल मोनेटाइज करा सकते हैं। अगर आप लोग वाइटी स्टूडियो को सही से यूज करना सीख गए, तो आप लोग का चैनल है उसको 1 महीना भी नहीं लगेगा मोनेटाइज कराने के लिए, आपका चैनल इजीली मोनेटाइज हो जाएगा, और आपके वीडियो धीरे धीरे रैंक करने लगेंगे, हजारों में लाखों में आपके वीडियो पर भी व्यूज आने लगेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, आखिर वाइटी स्टूडियो के अंदर ऐसा कौन सा राज है जिसको यूज करके आप लोग अपनी वीडियोस को वायरल करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आता है एनालिटिक्स का, सिंपली आपको करना क्या है, इस एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। अब देखो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है, योर वीकली रिकैप इज हियर। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर इसका यूज करना नहीं जानते, तो अभी से इसका यूज करना सीख जाओ, वरना आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, इस पे हमें क्लिक कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब देखो यहाँ पे आपको वाइटी स्टूडियो क्या बताता है, Here's what you got up the last week, मतलब लास्ट हफ्ते में आपकी कौन से वीडियोस पे ज्यादा व्यूज आए हैं, यहाँ पर आप लोग देखो। उसके बाद आपको इस तरीके से स्किप करना है, यहाँ पर आपको कितने यहाँ पे सब्सक्राइबर्स, कितने व्यूज मिले हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे चेक हो जाती है। यहाँ पे देखो हमारे नीचे सब्सक्राइबर्स दिए गए कि 5,600 सब्सक्राइबर्स मुझे यहाँ पे हफ्ते में मिले हैं। उसके बाद यहाँ चलते हैं आगे, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, Here's how people found you, मतलब आपको जो लोग हैं वो किससे ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे देखो YouTube होम पेज से मिलते हैं, शॉर्ट फीड से आपकी वीडियो मिलती है, साथ ही साथ YouTube सर्च से मिलती है, मतलब ये 3 तरीके से लोग आपके साथ एंगेजमेंट बना पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, आपको आगे जाना है। अब यहाँ पर देखो, दिस इज वॉट दे वॉच्ड, मतलब ये जो 2 वीडियो है मेरी इस हफ्ते की सबसे पॉपुलर वीडियो चली हुई है। आप लोग देख सकते हैं ये जो वीडियो है यहाँ पर 1,000 सब्सक्राइबर 4,000 घंटा वाली, यहाँ पर ये वीडियो 50,000 चल गई, वो भी सिर्फ 6 दिन के अंदर। इसीलिए वाइटी स्टूडियो मुझे बता रहा है कि ये वीडियो आपकी सबसे पॉपुलर वीडियो है, मतलब इस तरीके की मुझे अपने चैनल पे और वीडियोस बनानी चाहिए।
तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर आपके सामने शो करेगा। यहाँ पे देखो लाइव स्ट्रीम आ रही है, मतलब मुझे अपने चैनल पे ज्यादा से ज्यादा लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये चीजें आपको बेसिक चीजें यहाँ पे सीखनी पड़ेंगी, बाकी यहाँ पे लाइक शेयर कमेंट आ जाएगा और इसके आगे बढ़ोगे यहाँ पे आपका डॉलर आ जाएगा, आपका हफ्ते में कितना डॉलर बना है। उसके बाद देखो यहाँ पर आ जाएगा, बाकी आप लोग यहाँ से इजीली ये चीजें पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपने वीडियोस को आपको किस तरीके से रैंक कराना है। अब यह आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखो आपको एक ऑप्शन मिलता है कंटेंट का, ठीक है। सिंपली इस कंटेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस कंटेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको ध्यान रखना है कि यहीं से आपको वो सीक्रेट खुफिया सेटिंग्स पता चलेंगी जहां का यूज करके आप लोग अपनी वीडियोस को रैंक करा सकते हैं। अब देखो नीचे की साइड जाओगे यहाँ पर आपको मिलता है टॉप वीडियो, मतलब टॉप वीडियो यहाँ पर आपके सामने आ गए कि आपकी जो जो 28 दिन के अंदर जो टॉप वीडियोस है वो कौन से चल रही है। आपको क्या करना है, एनी टॉपिक से रिलेटेड अपने चैनल पे वीडियो बनाते जाना है। अगर आप अपने मन के हिसाब से चलोगे तो YouTube पे कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, अगर YT स्टूडियो के हिसाब से चलोगे तो आप लोगों को एक महीना भी ग्रो करने के लिए नहीं लगेगा। अब देखो आपको क्या करना है, नीचे की साइड जाना है। अब देखो आपके सामने जो पहला तरीका है वो कौन सा राज है जिसका यूज करके आप लोग अपने वीडियोस को रैंक करा सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, हाउ व्यूअर्स फाइंड योर वीडियोस, मतलब आपके वीडियोस जो लोगों को कहां से मिल रही है, ब्राउज फीचर, यूट्यूब सर्च, सजेस्टेड वीडियो। उसके बाद देखो यहाँ पर आप इधर को स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा यूट्यूब सर्च टर्म, मतलब ये जो तरीका है अगर इसका तरीका आपने लगा लिया तो 100% आपकी जो वीडियोस है वो वायरल होती हुई चली जाएंगी। आपको करना क्या है, इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने वो कंटेंट आएंगे जो आपके YouTube सर्च में सबसे ज्यादा चलते हैं आपके चैनल पे। देखो मेरे चैनल पे क्या चलता है, सब्सक्राइबर कैसे बनाए, यहाँ पे फिर उसके बाद मेरा नाम आ रहा है, यहाँ पे देखो सब्सक्राइबर कैसे बनाए, यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर कैसे बनाए, हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइबर कैसे बनाए, वॉच टाइम कैसे बनाए, मतलब यहाँ से आप लोग ये कीवर्ड ले सकते हैं। मेरे चैनल का कीवर्ड क्या है, अगर मैं सब्सक्राइबर्स के ऊपर यहाँ पे वीडियो बनाऊंगी तो 100% मेरे चैनल पे वीडियो चलेगी। तो आप लोग को यहाँ पर जो टॉप में 3 या 5 कीवर्ड्स दिखते हैं उन्हीं में से आपको अपना टाइटल निकालना वीडियो का। अगर आप लोगों ने उस टाइटल पे वीडियो को बना दिया तो 100% आपकी जो वीडियो है वो रैंक करेगी। अब देखो इतना आप समझ गए होंगे, यहीं से आपको जो टॉपिक होते हैं वह फाइंड करने होते हैं, ठीक है। आप चाहे तो 7 दिन का देख सकते हैं, आप चाहे तो 48 घंटे का देख सकते हैं, आप चाहे तो 60 मिनट का देख सकते हैं, पर आपको करना क्या है, आपको 28 दिन का देखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो मुझे पता चल गया कि मेरा सब्सक्राइबर से रिलेटेड अगर मैं अपने चैनल पे कोई वीडियो बनाती हूँ तो 100% मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइबर से रिलेटेड वीडियो चलती है। तो आपको क्या करना है, यहीं से आपको टाइटल मिल जाते हैं। आपको अपने मन के हिसाब से वीडियोस को क्रिएट नहीं करना है, आपको YT स्टूडियो के हिसाब से ही वीडियोस को क्रिएट करना पड़ेगा। अब आप समझ गए, आपके में जो यहाँ पर टॉपिक दिखाई देता हो आपको सिंपली डेली वहीं से एक टॉपिक को ले लेना है। उसके बाद यहाँ से चलते हैं बैक, बैक जाने का देखो यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपके सामने आता है कंटेंट सजेस्टिंग यू, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आप देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलेगा वो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पर जो आपकी वीडियोज है आपके वीडियोस के नीचे किसका कंटेंट यहाँ पे सजेस्ट करता है YouTube कि आपको इस तरीके का कंटेंट भी बनाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, मैंने आपको बता दिया कि मेरे चैनल का जो पॉपुलर कीवर्ड है वो है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए। उसके बाद देखो YouTube आपको कब क्या देता है, 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे होने के बाद भी 1 रुपया नहीं मिला, इस तरीके से आपके सामने बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर देखो करना क्या है, 1 2 3 4 5 ये जो 5 कीवर्ड्स होते हैं इनमें से आपको एक कोई सा भी कीवर्ड्स उठा लेना, किसी भी कीवर्ड्स पे आप उठा के वीडियो बना दो, आपको रेगुलर यहाँ पे एक कीवर्ड मिलता रहेगा जिसपे आप लोग अपनी वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पे बना के। तो आप लोग अगर इन टॉपिक पे अपने चैनल पे वीडियो बनाते हैं तो 100% आपकी जो वीडियोस होती हैं वो वायरल होती हैं। अब आप लोग इतना अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखो आपको करना क्या है, उसके बाद नीचे की साइड जाएंगे, अब देखो यहाँ पर क्या मिलता है, ऑडियंस का ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जो दूसरा राज है वो यहीं पे छुपा हुआ है जो आपकी वीडियोस को वायरल कराएगा। यहाँ पे देखो नीचे की साइड जाओ, किसी चीज से आपको मतलब नहीं है, बस नीचे पहुंच जाओ। अब यहाँ पर देखो आपके सामने क्या आ रहा है, चैनल योर ऑडियंस वॉच, यहाँ पे देखो आपकी जो ऑडियंस है वो किस किस के चैनल को देख रही है। यहाँ पे देखो आपके सामने 10 चैनल आते हैं। अब देखो यहाँ पर आपके सामने जो जो चैनल आ रहा है आपको देखो यहाँ पर देख ले रहा है, मेरे सामने ये इतने सारे चैनल आ रहे हैं। आपको क्या करना है, इन सारे चैनल को फॉलो करना है। अब आपको इनको फॉलो क्यों करना है, ध्यान से समझिएगा, इन सबके चैनल को आप फॉलो करेंगे, इन लोगों के चैनल पे जाके आपको देखना है कि आखिर 1 महीने के अंदर इनकी कौन सी वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं। तो जिस वीडियो पे इनके सबसे ज्यादा व्यूज आए हुए होंगे आपको सेम टू सेम वही टाइटल डिस्क्रिप्शन डालकर अपनी लैंग्वेज में उस वीडियो को बना देना है।
अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक प्रूफ दिखाती हूँ। यहाँ से मैं चली जाती हूँ बैक, बैक जाने के बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ से चली जाती हूँ यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जाने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, और जो हर एक क्रिएटर होता है वो इस तरीके का यूज करता है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पे नीचे जाते हैं आप, देखो 6 दिन के अंदर मेरी इस वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज आए 50,000 व्यूज आए। अब देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ व्यूज लाने का सही तरीका होता क्या है। अब देखो मैं आपको एक चैनल दिखाती हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब देखो मेरी वीडियो पे 6 दिन के अंदर 50,000 व्यूज आए। अब देखो मैं आपको यहाँ पर एक चैनल दिखा रही हूँ, ये चैनल आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखो ये भाई ने सेम टू सेम मेरी तरह वीडियो बना दी, बस किसी और के साथ बनाई है, वरना जो मैंने थंबनेल पे लिखा है वही इसने भी अपने थंबनेल पे लिख दिया है। और यहाँ पर देखो मैंने 6 दिन पहले वीडियो डाली, इस भाई ने 5 दिन पहले वीडियो डाली, मतलब मेरे 1 दिन के तुरंत बाद इसने वीडियो डाल दी, क्योंकि मेरी वीडियो पे 10,000 से ऊपर व्यूज आ चुके थे। तो इसको पता था कि मेरे चैनल पे इस वीडियो पे अच्छा बूस्ट मिला है, तो मुझे भी इस चैनल पे वीडियो बनानी चाहिए, इस कीवर्ड्स पे मुझे भी वीडियो बनानी चाहिए। तो इसने क्या किया, उसी टाइटल पे सेम टू सेम बना के देखो यहाँ पर वीडियो को डाल दिया, और इसकी वीडियो पे आज की डेट में कितने व्यूज है, 23,000। अगर बाकी वीडियो की बात करो तो यहाँ पर देखो 1800, 2900, 393 इस तरीके से इनके वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं, और इस वीडियो का व्यूज देखो 23,000। तो अब आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर जो आपके लिए मैंने तरीका बताया वो कौन सा तरीका है, वो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आप लोग इन सभी चैनल को धीरे धीरे करके, इनके सबके चैनल को आपको विजिट करना है और देखना है कि 28 दिन के अंदर कौन सी वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं, तो आप लोगों को सिंपली उसी टॉपिक पे वीडियो बना देनी है। उसके बाद का जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से आपको क्या करना है, फिर से ऑडियंस वाले ऑप्शन पे जाना है। ऑडियंस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको बिल्कुल नीचे चले जाना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है What your audience watches, मतलब आपकी audience कौन कौन से तरीके के content है वो देखना चाहती है। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो मनोज दे की वीडियो आ रही है, यहाँ पर देखो बहुत सारे क्रिएटर की वीडियो आ रही है। यहाँ पे मैं ओपन कर लेती हूँ, जैसे यहाँ पे आपको 10 वीडियो मिलेंगी, ये 10 वीडियो को आपको देखना है कि आपकी ऑडियंस है वो इसी तरीके की वीडियो यूट्यूब पे देखना चाहती है। तो आपको क्या करना है, इन्हीं तरीके की अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनानी है। आप लोग अगर अपने मन से कंटेंट क्रिएट करते रहोगे, आपके वीडियो पे एक भी व्यूज नहीं आएगा, इतना आपको याद रखना है। आपके वीडियो पे अगर आपको व्यूज लाने हैं तो आपको YT स्टूडियो के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आखिर कौन सी वीडियो आपकी किस टाइटल पर रैंक करेगी। अगर आपको कोई टाइटल यहाँ से रैंक नहीं किया है तो उस पर आपको कौन सा टाइटल लगाना चाहिए था वो भी आपको यहाँ पर देखना है। देखो यहाँ से कॉन्टेंट वाले सेक्शन पे मैं जाती हूँ, और यहाँ से जाने के बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले कंटेंट पे देखो इस पे 2400 व्यूज आए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे व्यूज आए। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से मैं अपनी कम व्यूज वाली वीडियो को यहाँ से ओपन कर लेती हूँ, जैसे कि 2400 व्यूज आए, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। इस वीडियो पे कम व्यूज आए, यहाँ पर देखो मैंने टाइटल क्या दिया इसका, व्यूज कैसे बढ़ाएं, यूट्यूब पर व्यूज कैसे बढ़ाएं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो इसका ऑडियंस रिटेंशन तो सही है, पर क्लिक थ्रू रेट और इसका व्यूज है वो डाउन हो गया। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपने क्लिक थ्रू रेट को सबसे ज्यादा अच्छा रखना है। अगर क्लिक थ्रू रेट डाउन होगा तो आपके चैनल के व्यूज है वो भी डाउन हो जाएंगे। अब देखो वीडियो परफॉर्मेंस पे चलते हैं। वीडियो परफॉर्मेंस पे चलने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, ऊपर आपको मिलता है रीच वाला ऑप्शन, सिंपली आपको इस रीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, हाउ व्यूअर्स फाउंड दिस वीडियो, ब्राउज फीचर, चैनल पेजेस, सजेस्टेड वीडियो, यूट्यूब सर्च, अदर्स। यहाँ से जो मेरी वीडियो है वो लोगों को देखने के लिए मिल रही है। उसका जब नीचे जाओगे तो यहाँ पर देखो आपको मिलता है यूट्यूब सर्च टर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपकी वीडियो पे आपको कौन सा टाइटल लगाना चाहिए था। अब देखो यहाँ पर देखो मैं, मेरे नाम का टाइटल है, उसके बाद देखो व्यूज कैसे बढ़ाए, तो व्यूज कैसे बढ़ाए ये मैंने अपनी वीडियो के अंदर टाइटल लगाया है, और मेरी वीडियो सही ऑडियंस के पास जा रही है सर्च में। और उसके बाद देखो यहाँ पर ये वाला जो टाइटल है, व्यूज कैसे बढ़ाए, मतलब मुझे टाइटल में ये कीवर्ड भी डालना चाहिए था, पर मैंने इसको नहीं डाला। अगर मैं इसको डालती तो यहाँ से क्या होता, मेरी वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज आते, क्योंकि अगर कोई इस नाम से भी सर्च कर रहा है तो उनको मेरी वीडियो नहीं मिल पा रही सही तरीके से। पर यहाँ पर अगर मैं अगली बार वीडियो बनाऊंगी तो मैं इसी टाइटल को कॉपी करके अपनी वीडियो के अंदर लगाऊं, या 100% मेरी वीडियो पे ज्यादा व्यूज आएंगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए कि आखिर YT स्टूडियो का यूज करके आप लोग अपने चैनल पे किस तरीके से व्यूज ला सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आपका गलत टाइटल है तो आपको यहाँ से सही टाइटल भी रिकमेंड YT स्टूडियो खुद करता है। तो अब आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर आपको YT स्टूडियो का यूज करके अपने चैनल पे व्यूज को किस तरीके से इंक्रीज करना है। आई होप आप लोगों को अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई तुरंत दे दूंगी। बाकी दोस्तों अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी आपको नॉलेजेबल कॉन्टेंट मिलता रहता है। बाकी अगर आपको मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, सब्सक्राइबर वॉच टाइम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, सिंपली जाकर उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।